मैं आज कल का डीजीपी साहब का जो प्रेस ब्रीफिंग था, उस ब्रीफिंग को लेके उसको थोड़ा सवाल, उसकी सम ऑफ द क्वेरीज, उसका जो एक्सप्लेनेशन है, एक दो एक्सप्लेनेशन को मैं सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसके लिए उसको फिर मैं काउंटर करने के लिए यहाँ आया हूँ। मोटा मोटी शब्द ये है, गालो वेलफेयर सोसाइटी इज नॉट सेटिस्फाइड विद प्रेस ब्रीफिंग मेड बाई डीजीपी पुलिस डीजीपी बाई यस्टरडे। डीजीपी सर ने बोला कि केस को अननेचुरल डेट में रजिस्टर किया गया सिंपो पुलिस स्टेशन में, डेट वो एक्चुअली पब्लिक को मिसलीड है, और लोग सिर्फ इसको एक अननेचुरल डेट में सिर्फ इसको रजिस्टर कर रहा था, लेकिन आफ्टर ट्रमेंडियस प्रेशर फ्रॉम गालो वेलफेयर सोसाइटी एंड गालो कम्युनिटी कि वो इसको 302 में जब इसको दे वेयर वेरी मच रिलक्टेंट टू रजिस्टर इन 302, बट अंडर ट्रेमेंडियस प्रेशर मेड बाय अस वो इसको केस को मर्डर में 302 में बुक करना पड़ा। इसमें उसने थोड़ा सा प्रेस को मिसलीड किया है। दूसरा, उसने बोला कि इन्वेस्टिगेशन द केस जो भी कंसर्न है, ये पुलिस बहुत सारे लोग को इन्वेस्टिगेट कंसर्न्ड पीपल को पीपल उसने बोला कि इन्वेस्टिगेटेड कंसर्न्ड पीपल, तो कंसर्न्ड पीपल का नाम नहीं बताया। जैसे व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ कंसर्न्ड पीपल, कौन है ये कंसर्न्ड पीपल, ये क्या ये पुलिस जिसको हम लोग एक्यूज कर रहे हैं वो, या प्योर जिसको एक्यूज एक्सपीरियंट बता रहे APPSC फियास्को में, या वो जो सस्पेक्टेड जो कमीशन का मेंबर्स है, किस को इसने थोरोली इन्वेस्टिगेट किया, वो इन्वेस्टिगेशन का वो पेपर्स को भी डिटेल्स करना है, लेकिन नहीं किया। और सबसे इसमें उसका DGP साहब का एक गलत बयान ये है कि डिजीज ने अपने हाथ में कट किया, लेफ्ट उसने डिजीज ने अपने हाथ को कट किया और वो ब्लेड को रिकवरी किया, और ब्लेड को उसने उसकी घर से उसका घर से रिकवरी किया। मींस इन अ क्राइम स्पॉट द ब्लेड वाज कैरी फ्रॉम हिज हाउस, वो उसका कहना ये था। तो इसमें फिर इसलिए मैं DGP साहब का उस ये को पुलिस उसने जो दिया स्टेटमेंट को, उसको मैं चैलेंज करने के लिए मैं पुलिस का सीजर लिस्ट भी आप लोग को दे दूंगा, सीजर लिस्ट इसका लेके आया है। कारण डिजीज कभी भी ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करता था अपना मुश्ताक बनाने के लिए, जनरली वो ट्रिमर्स का यूज़ करता था और इसका केसी का यूज़ करता था। देन माई क्वेश्चन इज हाउ कुड यू रिकवर अ ब्लेड फ्रॉम डेट हाउस, इज दिस इज अ प्लांटेड बाई यू, इफ द डिजीज नेवर यूज अ ब्लेड हाउ कुड यू से द ब्लेड वॉज रिकवर फ्रॉम हिज हाउस। ये बहुत सवालों का घेरे में हो, और DGP साहब भी इस चीज़ को सोच समझ के इसका बोलना चाहिए था। और एक तो इस विषय में मैं आप लोग को बोला अभी बता रहा हूँ कि सीजर लिस्ट जो पुलिस ने उसका घर से जो सीजर इसका लिस्ट बनाया है, डेट यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम मी आफ्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ में इसका कोई जिक्र नहीं है। और नंबर 3-4 उसने बोला कि ये एक्सप्रेशिया का वजह से इसका दम घुटने के वजह से मरा है, उसका सब मालूम है, इसका लिगामेंट फ्रैक्चर हुआ होगा क्योंकि सब देखा हुआ है, हैंग था। नाउ माय क्वेश्चन फ्रॉम द डे वन इज कैसे एक कमिटेड करने सुसाइड करने वाला आदमी इस पोजीशन में स्थिति में उसका हैंग पोजीशन में कैसा होगा। तो इसलिए कभी DGP को मेरा क्वेश्चन है कि उसने फॉरेंसिक
इसका टीम को कोरोबोरेट करके उसको उसको कंफर्म किया कि नहीं ये सुसाइड हो सकता है. हाउ कुड एंड 50% ऑफ इन्वेस्टिगेशन में हाउ कुड दे से डेथ, इसका थोड़ा सिग्नल ये हमें इसका सुसाइड में जाता है. देन रेस्ट ऑफ द स्पेशल SLP का जो जो उसका जो जो अभी तक इलेक्ट्रॉनिक जो उसका सर्विलेंस को जो अभी एग्जामिन कर रहा है और जो उसका बॉडी फोर्ट को जो अभी तक एग्जामिन कर रहा है वो पूरा कंफर्म हो गया. तो कंफर्म हो गया तो मुझे बताइए एग्जैक्टली किस चीज से हुआ, वो एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है. और उसने बोला कि उसका लाइफ को कोई ट्रीट नहीं था, तो ट्रीट नहीं था तो उसको इतना इमरजेंसी 30 मिनट्स में वहाँ पहुँचना है, रिपोर्ट करना है. और उसने एक्सक्यूजेस लिया कि मैं आज मेरे इसका बेटी का बर्थडे पे बैठा हूँ और ये मैं थोड़ा मीट शॉपिंग कर रहा हूँ, तो कल आज का मीटिंग को कल तक अगर पोस्टपोन कर देते तो अच्छा था. तो इसलिए हम लोग ने कोरोंग का नाम को बार बार इसलिए जिक्र किया है कि कोरोंग को उसने कस्टोडियल इंक्वायरी करेगा बोला था हमारे SP साहब ने. इसने किया, कितना घंटा रख के किया, कितना दिन रख के किया. तो साथियों ये सब कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है पुलिस का DGP साहब का जो एक दो में इसको जो बताया है, तो इस चीज़ से हम लोग बहुत सीरियस है. गालो वेलफेयर सोसाइटी इज़ नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद द स्टेटमेंट मेड बाई DGP. नाउ अभी इसका जितना टेक्निकलिटी थोड़ा जितना इसमें सब्जेक्ट वेस में जो भी क्वेश्चन करना है, मैं मेरे साइड में मिस्टर टूजुम पोयम वो KKWS का इस केस के लिए उसको यहाँ का चेयरमैन बनाया गया है और ये KKWS का प्रेसिडेंट है जो डे वन से उस केस के सिलसिले में क्लोजली निगरानी रखा है. और मैं आप लोग को ये बता दूँ कि पुलिस का स्टेटमेंट को हम लोग इसलिए रोक रहा था कि हमारे पास भी बहुत सारा ऐसा खुलासा के लिए कागज़ मौजूद है, पर्याप्त मात्रा में मौजूद है जो पुलिस का एक एक स्टेटमेंट को सिरे से नकार सकता है. तो इसलिए अगर आपको कुछ डाउट है यू प्लीज आस्क अ क्वेश्चन टू बॉट ऑफ माई फ्रेंड. वन मोर एक मिनट प्लीज, एक और क्लियर करेगा मनोहर, एक पॉइंट जुड़ेगा. कल का DGP का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बोला है, पुलिस का स्पोक्स पर्सन था ओके, जो भी हो, वो ऐसा बोला कि SSP जो इसका गाड़ी में ले तुम्हें कंका का गाड़ी में कोई आदमी आया भी नहीं है, उतारा भी नहीं है और उठा भी नहीं है, वो ऐसा स्टेटमेंट दिया है. मैं तो बोलता हूँ, अभी मैं बोलता हूँ कि ये अभी जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था वो तुम्हें कंका नहीं है. नाउ इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन. मैं एलेस कर रहा हूँ कि वो तुम्हें कंका ड्राइव नहीं कर रहा था. अभी तुम्हें कंका को आप पुलिस ये दूसरा आदमी था वो ड्राइव करने वाला, तो पुलिस अभी प्रूफ करो ये तुम्हें कंका नहीं है, उसको क्लियर पिक्चर निकलो. आपका बहुत सा ये सामान है, आपका वो ये सामान है उस जिसके जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकेगा. ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ CCTV फुटेज भी वहाँ तो ये सही जगह में कई कई जगह में वो कट ऑफ होता है, उसका बाद बोलता है कि ये तुम्हें कंका नहीं है, तुम्हें कंका है बोलता है, चला रहा है बोलता है. हम तो बोलता है हम अभी GWS